नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो मिड सेगमेंट के प्रीमियम दिखने वाले कमाल के स्मार्टफोन के बीच में। एक तरफ है दोस्तों वीवो Y33S, वहीं हम इसको आज कंपेयर करने वाले हैं ओप्पो के लेटेस्ट लॉन्च ओप्पो F19S से। वैसे तो दोस्तों दोनों की प्राइसिंग लगभग सेम देखने को मिलेगी, लेकिन देखेंगे क्या कुछ खास फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वैसे तो ओप्पो वीवो में लगभग चीज़ें सेम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इनका क्विक कंपैरिजन। तो दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले से देख लेते हैं क्या कुछ खास फर्क यहाँ पे आपको डिस्प्ले में देखने को मिलता है। जैसे वीवो Y33S में 6.58 इंच IPS एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती है, दूसरी तरफ आपको 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों में ही रेजोल्यूशन आपको फुल HD+ का देखने को मिलेगा, जो बहुत अच्छी बात है दोनों ही स्मार्टफोन के लिए। एक तरफ दोस्तों वीवो में आपको 8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, जबकि ओप्पो में आपको 8mm की सेम थिकनेस देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों यहाँ पे वेट की, तो एक तरफ 182 ग्राम वेट देखने को मिलेगा आपको वीवो में, जबकि ओप्पो में आपको 175 ग्राम वेट देखने को मिलेगा। पिक्सल पर इंच डेंसिटी की बात की जाए तो दोस्तों 401 PPI देखने को मिलेगी वीवो Y33S में, जबकि ओप्पो F19S में भी लगभग सेम PPI देखने को मिलती है। कुल मिलाकर दोस्तों थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पे ओप्पो F19S। अगर दोस्तों कंपेयर किया जाए यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे को, तो वैसे तो दोनों में ही आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जबकि ओप्पो में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको दोनों ही स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलेंगे। बात करें डेप्थ लेंस और माइक्रो लेंस की, तो दोनों ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। दो मेगापिक्सल के डेप्थ लेंस देखने को मिलेंगे दोनों ही स्मार्टफोन में, माइक्रो लेंस भी 2 मेगापिक्सल के दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों बात की जाए सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे वीवो में आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जबकि 16 मेगापिक्सल ही कैमरा आपको ओप्पो F19S में देखने को मिलेगा। दोस्तों लगभग रेजोल्यूशन आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर नजर आएगी ओप्पो F19S की, क्योंकि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। अब दोस्तों जाने इनकी प्रोसेसिंग पावर को देख लेते हैं क्या कुछ खास प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीवो Y33S आता है 2 GHz के एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो वर्क करता है MediaTek Helio G80 पे 5000mAh की बैटरी के साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। बात करें ओप्पो F19S की, तो यहाँ पे आपको 2 GHz का एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन ये वर्क करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 पे। यहाँ पे भी आपको बैटरी सेम मिलेगी 5000mAh की, लेकिन यहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों इनके प्रोसेसर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 662 और MediaTek Helio G80 पे। जैसे बात करें CPU परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको एक तरफ 29 का स्कोर देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ 27 का स्कोर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे गेमिंग स्कोर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में एकदम एक जैसा देखने को मिलेगा, कोई फर्क नहीं मिलेगा गेमिंग में। बात करें दोस्तों बैटरी लाइफ की, तो थोड़ी सी कम बैटरी कंज्यूम करेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, लेकिन अंततः स्कोर की बात की जाए तो थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा Helio G80, लेकिन इतना कुछ खास फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बात करें दोस्तों प्राइसिंग रैम मेमोरी की, तो यहाँ पे वीवो Y33 से आता है 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में लगभग 17,990 रुपये का, जबकि ओप्पो F19S आता है 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में 18,990 रुपये का। दोस्तों बात करें ओप्पो F19S की, तो ये एक सुपर एमोलेड वाला डिवाइस है, मतलब यहाँ पे आपको ट्रू कलर, डीपर कंट्रास्ट और नेचुरल ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है, काफ़ी स्लिम फ़ोन है, और मतलब अगर इसमें आप गेमिंग करोगे, वीडियो देखोगे, तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। मल्टीटास्किंग और गेमिंग तो इस फोन में आप आसानी से कर ही सकते हो। बाकी दोस्तों मुझे फर्स्ट लुक में ओप्पो F19S काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, प्राइस में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, लगभग 1000 रुपये का फ़र्क है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम फिनिश देता है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताओ जरूर कौन सा स्मार्टफोन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।